फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विश्री। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये वाला मेकअप लुक, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होगा उसे भी हिट कर दें ताकि कोई भी आगे वीडियो आए तो आप नोटिफाई हो जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हो कि हमें CTM करना होता है, तो मैंने यहाँ टोनर अप्लाई किया है और फिर उसे अच्छे से पेनिट्रेट होने देंगे, मतलब स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व करवाना है उसे। देन उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ सीरम का, स्विस ब्यूटी का सीरम, और इसका रिव्यू भी मैं करने वाली हूँ। पहले मैं ये खुद ट्राई कर लेती हूँ कि कैसा है, उसके बाद मैं रिव्यू करूँगी। सो ये अभी मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो सीरम हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब CTM बहुत ज़रूरी है मेकअप से पहले। सीरम यूज़ करने से हमारा स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहता है। सीरम स्किन के फेस के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए सीरम यूज़ किया जाता है। देन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बायोटिक का मॉइस्चराइज़र। कभी भी मेकअप करने से पहले मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं करते तो जो मेकअप है वो कुछ टाइम के बाद काला पड़ जाता है, तो इसलिए मॉइस्चराइज़र कभी भी स्किप ना करें। तो इसे अब अच्छे से हम स्किन में लगा लेंगे। देन अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी का प्राइमर। ऑल्सो प्राइमर भी कभी भी आप स्किप ना करें, अगर आप हैवी मेकअप कर रहे हो तो प्राइमर हमेशा अप्लाई करें। एंड प्राइमर का काम होता है जो आपके ओपन पोर्स होते हैं उसे क्लोज करना, मीन्स ब्लर आउट कर देना, ढक देना उसे। सो देखते हो कि देख सकते हो आपकी प्राइमर लगाते ही स्किन एक मैटिफाई लुक दे रहा है। तो यही है प्राइमर का काम। और प्राइमर पे भी मेरे को एक इंडिविजुअल सिंगल वीडियो लेके आना है, तो वो भी मैं बताऊंगी कि प्राइमर हम किस ब्रांड का ले सकते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, कितने टाइप्स के प्राइमर्स आते हैं, वो सारा कुछ। तो मैं यहाँ पे पैक के ब्रश की हेल्प से प्राइमर लगा रही हूँ। और ब्रशेस का भी आप लोगों को बताना है कि आपको टेबल रेंज में कौन से ब्रश आप ले सकते हो। और अगर आप प्रो हो, प्रोफेशनल हो, और अगर आप ब्यूटिशियन कोर्स कर रहे हो, ऐसा कुछ है, तो आप पैक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वालिटी रहता है इसका। और देन यहाँ पे मैं आईब्रो फिल कर रही हूँ। आईब्रो फिल करने के लिए मैंने यूज़ किया है निका के आई शेडो पैलेट का। तो निका के क्या है, मतलब आप ना कभी भी कोई भी आई शेडो पैलेट ले तो ऐसा ले जिसमें ब्राउन शेड हो, न्यूड शेड हो, ब्राइट शेड हो, जो आप हर टाइप के ड्रेस के साथ कर सकते हैं। जैसे कि कभी भी ऐसा ना ले कि सिर्फ उसमें शिमर ही शिमर हो, या ग्लिटर हो, या मैट हो, ऐसा नहीं। उसमें मैट शेड्स भी हो, शिमर भी हो, ऐसा ही आई शेडो पैलेट्स आप लें। तो मैं इस आई शेडो पैलेट का रिव्यू भी किया है मैंने आज ही, तो वो भी वीडियो आएगा जस्ट इसके बाद। तो यही है कि आई शेडो पैलेट्स कभी भी आप इन्वेस्ट करें तो अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करें, और अफोर्डेबल रेंज में भी बहुत अच्छे अच्छे आई शेडो पैलेट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं आईब्रो फिल कर ले रही हूँ, और मैंने ब्राउन शेड का यूज़ किया। कभी भी ब्लैक शेड लेके आईब्रो फिल ना करें। और फ्रेंड्स, पता नहीं एक साइड का आईब्रो मेरा क्या है, तो कभी ढंग से शेप में आता ही नहीं है, इतना भी कोशिश कर लो। तो बस ये आईब्रो फिल कर लिए मैंने। उसके बाद हम फेस मेकअप करेंगे। तो ये मेरे को थोड़ा कम लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने और थोड़ा सा लेके अप्लाई कर लिया है। देन बहुत टाइम लग जाता है यार आईब्रो फिल करने में, आधा टाइम तो आपका आईब्रो फिल, सबसे ज़्यादा टाइम मीन्स ना आईब्रो आई मेकअप, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, फेस मेकअप में नहीं लगता उतना टाइम। तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो वो भी जल्दी से होने लगेगा। तो मैंने आईब्रो फिल कर ली। तो आईब्रो फिल करने के बाद अब हम लोग जो हमारा आईब्रो है उसको एक शेप देंगे। कभी भी आईब्रो मीन्स मेकअप कर रहे हो
तो आईब्रो को डिफाइन करना ना भूले, मतलब आईब्रो डिफाइन करें, देन उसके बाद ना उसको हाईलाइट करें, जो कॉर्नर्स होते हैं आईब्रो के उसको हाईलाइट करें। तो अब मैं वही करूँगी, देन मैं आई को भी कंसील कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है फिटमे का कंसीलर। अगर आप अफोर्डेबल रेंज में तो नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा हाई कॉस्ट में ले सकते हो तो आप मेबलिन का कंसीलर बहुत बेस्ट है, कवरेज बहुत अच्छा देता है, देख सकते हो आप। तो आप मेबलिन का कंसीलर यूज़ कर सकते हो, मतलब ले सकते हो। और अगर आपको अफोर्डेबल रेंज में लेना है तो फिर आप स्विस ब्यूटी का ले सकते हो, NYB का ले सकते हो, स्टेक वर्की का ले सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कम रेंज में भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। और ये भी कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो आप अगर बेस्ट चाहते हैं तो मेबलिन फिटमे का लें, स्विस ब्यूटी का लें, NYB का लें, बहुत सारे ब्रांड्स हैं उसके आप ले सकते हो। तो प्रैक्टिस के लिए अगर आपको चाहिए तो आप स्विस ब्यूटी का ले सकते हो, खुद पे करना है प्रैक्टिस के लिए है तो स्विस ब्यूटी का ले सकते हो। एंड अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपको दूसरों का करना है, तो उसके लिए आप थोड़ा अच्छा लें, प्रोडक्ट्स अच्छे रखें तो ज़्यादा बेटर होते हैं। तो यहाँ पे सारे कॉर्नर्स पे मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया है अच्छे से। जिस ब्रश से मैंने अप्लाई किया था उसी ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पे उसे ब्लेंड कर ले रही हूँ। यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, ब्रश की ही हेल्प से कर रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर क्या करते हैं, प्रोडक्ट जो एक्स्ट्रा होता है उसको सोक कर लेता है, तो इसलिए आई मेकअप है आई बेस रेडी कर रहे हैं, तो उसके लिए जितना लाइट से शेड हो, जितना ज़्यादा लाइट शेड हो उतना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि उससे जो कलर है ना आई शेडो के वो इन्हेंस हो के आते हैं। तो बस अभी से हम लोगों ने ब्लेंड कर लिया है, तो अब इसको पाउडर से कॉम्पैक्ट की हेल्प से सेट करेंगे। मैंने आई शेडो के लिए यूज़ किया है नीका के आई शेडो पैलेट का, और उसमें से मैंने एक ब्राउन शेड को पिक किया है। पहले तो मैंने एक लाइट ऑरेंज शेड को पिक किया है एंड उसे मैं क्रीज़ के ऊपर दे रही हूँ, जो अब हमारा क्रीज लाइन होता है ना जस्ट उसके ऊपर। ओके, तो देख सकते हो आप क्रीज लाइन के ऊपर दे रही हूँ मैं। और आई मेकअप जब भी करे तो ब्रश हमेशा थोड़े दूर से पकड़े, अभी भी एकदम क्लोज, आईज़ के क्लोज ला के ब्रश को नहीं पकड़े, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उसे ब्लेंड करें, और एक के बाद एक कलर को बिल्ड करते जाए एंड उसको मर्ज करते जाए, मींस एक के ऊपर एक कलर को रखते जाए फिर उसे मिक्स करते जाए, तो ऐसे में बहुत अच्छा आई मेकअप निकल के आता है। फिर मैं यहाँ पे देखो एक डार्क ब्राउन शेड है उसे ले रही हूँ, और जो वी होता है हमारा आईज पे वहाँ दे रही हूँ, और थोड़ा सा क्रीज पे, जिससे कि जो क्रीज लाइन है वो दिखे। तो देख सकते हो ऐसे ही करना है आप लोगों को। ब्राउन शेड को मैं अच्छे से क्रीज लाइन पे दे रही हूँ, जिससे कि एक लाइन दिखे, मीन्स लाइन दिखे मीन्स पहले हम लाइट शेड देते हैं फिर हम थोड़ा डार्क देते हैं, तो वही लाइट के बाद थोड़ा एक डार्क शेड दिखे, लाइन नहीं दिखना चाहिए कभी भी आई मेकअप पे, लाइंस नहीं रहनी चाहिए कभी भी, लाइंस नहीं पड़नी चाहिए, लाइंस नहीं रहनी चाहिए, चाहे आपका आई मेकअप हो, फेस मेकअप हो, कॉन्टोरिंग करो, ब्लश करो, कुछ भी करो, लेकिन लाइंस नहीं दिखनी चाहिए, अच्छे से सब कुछ ब्लेंड दिखना चाहिए तभी वो परफेक्ट होता है। तो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे एक पेंसिल ब्रश ले रही हूँ, देन उससे मैं ब्लैक शेड मिस रोज़ की पैलेट से एक ब्लैक शेड को अप्लाई कर रही हूँ। तो देख सकते हो आप थोड़ा सा मैंने आईज़ के कॉर्नर को पकड़ा है, देन उसके बाद मैं आउटर वी जो होता है हमारे आईज़ का वहाँ पे उसे प्लेस कर रही हूँ, देन
उसे मर्ज कर रही हूँ बाकी के कलर्स के साथ। तो ऐसे ही करते रहना है, प्रैक्टिस करो तो धीरे धीरे सीख जाओगे। और जो भी मेरी वीडियोस देख के सीखते हैं वो मुझे मैसेजेस करते हो कि और वीडियोस बनाओ, मेकअप के लिए बनाओ, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही मोटिवेट करते रहें आप लोग। तो यहाँ पे मैं एक गोल्डन शेड को अप्लाई कर रही हूँ, देख सकते हो। हाफ आई लिड पे मैं गोल्डन शेड को अप्लाई कर रही हूँ और हाफ आई लिड पे मैं कॉपर शेड को अप्लाई करूँगी। कॉपर गोल्डन, ये जो है ये येलोइश गोल्डन है। सबसे पहले मैं येलोइश गोल्डन अप्लाई कर रही हूँ, देन मैं एक कॉपर शेड में जो गोल्डन होता है वो अप्लाई करूँगी। देख सकते हो। और सॉरी वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है, क्योंकि मेरे को आई मेकअप डिटेल में दिखाना था आप लोगों को, इसलिए वीडियो लॉन्ग होगा। तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखें वीडियो। और अगर आप लोगों को डिटेल में चीज़ों को जानना है तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग तो हो गई। और मैंने यहाँ पे जब आई मेकअप मैं कर रही हूँ तो मैंने बिल्कुल भी स्पीड नहीं की हूँ और बहुत धीरे धीरे ही आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी स्पीड नहीं किया है। और उसके बाद आपको फेस मेकअप में मैंने थोड़ा सा स्पीड किया हुआ है, पहले भी मैंने स्पीड किया था, बट आई मेकअप के टाइम पे मैंने बिल्कुल स्पीड नहीं किया है वीडियो को, देख सकते हो आप। फिर मैं यहाँ पे आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। आईलाइनर के लिए मैंने यहाँ पे मेबलिन का स्केच आईलाइनर यूज़ किया है। तो लाइनर भी आपको अफोर्डेबल रेंज में मैं बता चुकी हूँ। आप फेसेस का मंगा सकते हो, NYB का मंगा सकते हो, स्टेकवर्की का मंगा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सारी चीज़ों, सारे प्रोडक्ट्स में ऑप्शंस रहते हैं। ज़रूरी नहीं है जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वो ही आप यूज़ करें, आप कम रेंज में भी अच्छे प्रोडक्ट्स मंगा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और तो मैंने यहाँ दोनों आईज़ पे अप्लाई कर लिया है आईलाइनर। अब हम मस्कारा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ अपने आईलैशेस को कर्ल करने के लिए। तो ये वाटरप्रूफ मस्कारा है, इसमें वॉशेबल भी आता है, तो वो भी आपको जो बेटर लगे वो ले सकते हैं। अगर आप डेली मेकअप के लिए चाहिए आपको तो वॉशेबल लें। अगर तो आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है, अब हम फेस मेकअप पे आएंगे। तो फेस के लिए सबसे पहले हमने बेस रेडी कर लिया था, CTM हमने कर लिया था, क्लिंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग वो हमने कर लिया था, प्राइमर भी हमने लगा लिया था। तो उसके बाद अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर मेकअप बेस। तो इल्यूमिनेटर क्यों अप्लाई करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, कौन सा ले सकते हैं, इसके लिए भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी। तो यहाँ पे इल्यूमिनेटर यूज़ कर रही हूँ मैं स्विस ब्यूटी का, और देख सकते हो आप, तो बहुत अच्छा एक शाइन आ गया है इसको यूज़ करने के बाद। उसके बाद मैं यहाँ पे ओलिविया का पेन स्टिक यूज़ कर रही हूँ मेकअप बेस के लिए। फेस में बेस रेडी करने के लिए मैं यहाँ पे ओलिविया का पेन स्टिक यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा शेड है 04, ये थोड़ा सा लाइट है मेरे स्किन टोन से, और आपको लाइट ही लगाना है आपके स्किन टोन से, दो शेड लाइट लगाना है। और ये जो फाउंडेशन है, ये जो पेन स्टिक है, तो इसमें जो प्रोडक्ट रहता है वो ऑक्सीडाइज होता है, मीन्स थोड़े टाइम के बाद वो फेड हो जाता है और आपके स्किन टोन पे आ जाता है। तो इसलिए अगर ये ज़्यादा लाइट और ब्राइट दिख रहा है तो
तो वो थोड़े टाइम के बाद सेटल हो जाएगा फेस पे। और कभी भी मेकअप करते हैं तो उसको सेटल होने में कम से कम आधा घंटा लगता है, उसके बाद मेकअप अलग ही लगता है। सो अब यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ, जिससे जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हो वो हमारा ब्यूटी ब्लेंडर सोक कर ले। तो ब्यूटी ब्लेंडर भी आपको कभी भी ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं करना है, हमेशा वेट ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है। तो देख सकते हो आप चीज। देन यहाँ पे ना मेरे को एक पिंपल हुआ था, वो रेड हो गया था। मीन्स कभी भी रेड पिंपल होता है ना, तो वहाँ हम ग्रीन कलर करेक्टर जो होता है उसका यूज़ करते हैं। और अब ऑरेंज कलर करेक्टर को मैं अपने डार्क एरियाज़ पे लगा रही हूँ, मीन्स अंडर आई एरियाज़ पे। तो देख सकते हो आप जहाँ पे जो ऑरेंज शेड होता है वो ब्राउन कलर को काटता है, और जो ग्रीन शेड होता है वो रेड कलर को काटता है। तो इसलिए कभी भी ग्रीन शेड को हम यूज़ करते हैं रेड पिंपल्स एक्ने वाली जिनकी स्किन होती है उसके ऊपर, और जो ऑरेंज होता है उसको जहाँ जहाँ पे डार्क पैचेस होते हैं, पिगमेंटेशन होते हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो कलर करेक्टर कर लिया है हमने। अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर, जो हमारे हाईलाइट एरियाज हैं वहाँ पे, जिसे हमें इन्हेंस करके दिखाना होता है। हर बार बताती हूँ मैं आपको, तो वहाँ पे हम हाइलाइटर सॉरी कंसीलर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ अपने फॉरहेड पे, ब्रिज ऑफ नोज़, चिक बोन्स, यहाँ पे हम लोगों को मतलब ये करना होता है। तो देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे यूज़ किया है फिटमी का कंसीलर, जो कि मैंने पहले भी बताया बहुत बेस्ट है। तो यहाँ पे हमने फेस को सेट कर लिया है कॉम्पैक्ट की हेल्प से। आप कॉम्पैक्ट से भी कर सकते हैं, लूज़ पाउडर की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो इसके बाद अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का ब्लश पैलेट, और इसमें से एक पीच और पिंक शेड को लाइट पिंक और पीच शेड को लेके मैं अप्लाई कर रही हूँ। और बहुत लाइट सा ब्लश लगा रही हूँ मैं, क्योंकि डे टाइम है तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो देख सकते हो आप, अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर, एंड हाइलाइटिंग एरियाज जो होते हैं उन्हें हाईलाइट कर रही हूँ। तो हाईलाइट तो मतलब पूरा लुक चेंज कर देता है, कॉन्टोरिंग हाईलाइट ये सब होने के बाद फेस का पूरा लुक चेंज हो जाता है, मेकअप का लुक चेंज हो जाता है, एंड लिपस्टिक लगाने से तो पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। मीन्स जो मेकअप का ना सबसे बोलना चाहिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है लिपस्टिक। सो अब यहाँ पे मैं मेबलिन का एक काजल अप्लाई कर रही हूँ, देन यहाँ पे लक्की थोड़ा मस्ती कर रहा था मेरे साथ। लक्की कौन है बोलोगे, तो लक्की मेरा भाई है, मीन्स देवर है मेरा, तो वो थोड़ा मस्ती कर रहा था। और यहाँ पे मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, लिपस्टिक के लिए मैंने किस ब्यूटी का लिपस्टिक लिया है, इसके भी स्वॉचेस के वीडियो आने वाले हैं, रिव्यू शेयर करने वाली हूँ मैं, बहुत अच्छे लिपस्टिक्स हैं। और ये एक पिंक रेडिश टाइप का शेड है, और बस यहाँ पे हमारा लुक। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय, टेक केयर।